दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आर्यावन रेडएक्स ब्रांड की तरफ से आने वाले इस टीवी में कुछ यूनिक फीचर्स को ट्राई करेंगे जो शायद और आपको कोई भी ब्रांड नहीं देता। तो आज के वीडियो में हम लोग चेक करेंगे इसके वीडियो बेस्ड एप्स के बारे में जो स्पेशली लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा इस टीवी के मामले में। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे जूम ऐप को, गूगल मीट, स्काइप और बाकी जो भी वीडियो बेस्ड ऐप्स होते हैं उनको टेस्ट करेंगे। इसी के साथ ही कुछ और भी चेक करेंगे इस टीवी में। तो वीडियो होने वाला बहुत ही कमाल और धमाल। तो स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टनाटन शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो कॉलिंग के लिए आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर ऐप जो सभी को पता है जूम ऐप, तो उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टीवी का मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू किया है जहां पे हर चीजें मैंने बताई है पिक्चर क्वालिटी के बारे में, ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए, ऊपर मैं लिंक कर दूंगा। और अब यहां पे शुरुआत करते हैं जूम ऐप से। तो जूम ऐप मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, एक बार पहले कर लेते हैं साइन इन। और साइन इन करने के बाद एक मैंने मीटिंग शेड्यूल की है ऑलरेडी, और कॉल शुरू करने के पहले एक बार कनेक्ट कर लेते हैं वेबकैम। और हमारे पास है एक ही यूएसबी पोर्ट इस टीवी में जो है यूएसबी 2.0, उसमें कनेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं जूम कॉल। तुमने तुम्हारा वीडियो ऑफ रखा है, ऑन किया ना? अभी ऑन करो। ओके हाँ आ रहा है, ठीक है, यस। अभी मेरी आवाज आ रही है बराबर? अच्छा ठीक है, मुझे भी तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है। तो आई थिंक जूम ऐप इज वर्किंग फाइन। मुझे नहीं देख पा रही हो ना तुम्हारे फोन में? नहीं। तो हम सभी ने देखा कि कॉल बहुत ही अच्छी तरह से हो पा रहा है, मतलब मैं सामने वाले की आवाज सुन पा रहा हूँ, सामने वाला मेरी आवाज सुन पा रहा है। और बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस भी पूरा का पूरा सेम है जो हमें नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर में देखने मिलता है। सेम का सेम आपको यूजर इंटरफेस इस टीवी में भी देखने मिलेगा। और जैसे कि म्यूट का ऑप्शन होता है, स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो, आपके टीवी में कुछ प्रेजेंटेशन है या फिर कुछ कंटेंट है, कुछ फोटोज है आप शेयर करना चाहते हो तो वो आप शेयर कर सकते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं शेयरिंग के लिए। उसके बाद पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है, उसके बाद आप एंड कॉल जैसे करते हो, तो ये सारे ऑप्शन जो आपको नॉर्मली लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखने मिलते थे सेम यूजर इंटरफेस आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थी वीडियो की, जहाँ पे मैं सामने वाले को तो देख पा रहा हूँ लेकिन सामने वाला मुझे नहीं देख पा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी कि हमारे पास है सिर्फ यूएसबी 2.0 और इसके मैंने ब्रांड से बात किया कि भाई ये ऐसा क्यों है, मतलब रेडएक्स ब्रांड की टीम से मैंने कांटेक्ट किया और उनका कहना था कि भाई आपके पास यूएसबी 3.0 के पोर्ट में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने कनेक्ट किया लेकिन 3.0 जो यूएसबी पोर्ट है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो उनका कहना है कि भाई आपके पास एक यूएसबी हब होना चाहिए जिससे आप वेबकैम को कनेक्ट कर पाओगे और आप इसका मजा ले पाओगे। और इस ऐप को आप अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो, वेबकैम आपको चाहिए तो आपको एक यूएसबी हब लेना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये एक लिमिटेशन आ जाता है। तो आई थिंक रेडएक्स ब्रांड को बॉक्स कंटेंट में ही यूएसबी हब देना चाहिए क्योंकि एडिशनली एक बार कोई कस्टमर टीवी लेगा तो शायद उसको कुछ परचेस ना करना पड़े। तो एक कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मुझे लगता है कि शायद उनको बॉक्स कंटेंट में ही एक यूएसबी हब भी दे दे तो बहुत अच्छी बात होती थी। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं गूगल मीट ऐप को कैसे काम करता है, वो भी चेक कर लेते हैं। सो नाउ गूगल मीटिंग स्टार्टेड। आवाज आ रहा है ना मेरा बराबर? ठीक है, मुझे भी तुम्हारी आवाज यहाँ पे क्लियर आ रही है, ठीक है, ओके गुड टू गो, थैंक्स। तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि गूगल मीट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन अगेन जो प्रॉब्लम थी कि वीडियो की, इसके लिए आपको यूएसबी हब तो लेना ही पड़ेगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इसी के साथ ही आज यूजर इंटरफेस भी सेम है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखने मिलता है वही हमें यहाँ पर भी देखने मिलेगा। और इसी के साथ ही आज और स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग कोई चीज शेयर करना चाहते हैं मीटिंग में। और जब मैं स्क्रीन शेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इस रिमोट में आपको एक ऑप्शन मिलता है, समझ लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको कोई भी चीज पॉइंट करनी है तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, समझ लो इस ढंग से आ जाता है जिसमें एक रेड कलर की लाइट आपको ऐसे दिख, आई एम नॉट श्योर कि इसमें दिख रही नहीं कैमरे में, लेकिन यहाँ पे देखो अब रेड कलर की कुछ लाइट आ जाती है तो जिससे आप
कोई भी चीज पॉइंट करना चाहते हो तो आप इस रिमोट से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड की दी गई है उसके लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस टीवी की। और दोस्तों बात करें बाकी वीडियो बेस्ड एप्स के बारे में, तो जहाँ पे स्काइप आता है तो स्काइप भी मैंने ट्राई किया इस टीवी में और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हो कुछ पर्सनल यूज के लिए, जैसे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कॉलिंग का ऑप्शन आ जाता है, और एक और ऐप है जिसका नाम है ईमो, जो लोग काफी यूज करते हैं मतलब पर्सनल यूज के लिए, जिसमें आप वीडियो वगैरह कॉलिंग कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप कॉल वगैरह करना है, तो वो ऐप काफी अच्छा है। तो ये ऐप्स है। बाकी अगर आपको कोई ऐप चाहते हो कि मैं इस वीडियो में टेस्ट करके आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली एक प्लान करूंगा एक वीढ़ियो बनाने के लिए, जिसमें आपको लाइव बताऊंगा कि किस ढंग से वो काम करता है। इसी के साथ ही साथ आप आगे बढ़ते हो, टेस्ट करते हैं यहाँ पे कुछ कास्टिंग फीचर के बारे में। तो इस टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट का फीचर देखने मिलेगा, तो अब यहाँ पे एक लाइव टेस्ट कर देंगे क्रोमकास्ट फीचर किस ढंग से काम करता है। तो अभी ये फोन है जो कनेक्टेड है सेम नेटवर्क से, मतलब टीवी और फोन एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इसे क्रोमकास्ट की फीचर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यूट्यूब में और जस्ट इसको प्रेस कर टीवी सेलेक्ट करना है, टीवी का नाम आ जाता है, एंड यस एयर स्क्रीन। तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि क्रोमकास्ट का फीचर भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, कोई भी लैग नहीं है और परफेक्टली काम करता है, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। इसी के साथ ही साथ जब मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो MS Player, उस पर मैंने कास्टिंग करने का ट्राई किया फोन से टीवी में। तो उस समय मुझे थोड़ा सा लैग देखने मिला, कुछ फ्यू सेकेंड्स का डिले हो रहा था वो स्क्रीन पर जब यहां पे प्ले हो रहा है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिले हो रहा था। इसी के साथ ही साथ मैंने फोन पे मेरे कुछ ऑलरेडी वीडियोज थे जो मैंने VLC प्लेयर में ओपन किया और उसको मैंने कास्ट करने का ट्राई किया, उस समय मुझे थोड़ा सा लैग देखने मिला। तो यहां पे क्रोमकास्ट जो है यूट्यूब के साथ तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन MX प्लेयर और VLC के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। और बाकी कोई अदर ऐप है जो आप चाहते हो कि इस टीवी में चेक करके आपको बताऊं, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूं जहां पे कुछ और डिटेल में बात करेंगे इस टीवी से रिलेटेड, जहां पे हम लोग पिक्चर क्वालिटी को और डिटेल में चेक करेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा इस टीवी की, अगर समझ लो आप जब एप्स वगैरह डाउनलोड करोगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एक प्ले स्टोर है ऑलरेडी फुल वर्जन आपको जो मोबाइल का मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ऐप अगर वहां पे प्ले स्टोर में नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टोर है जिसका नाम है एप्टॉइड। एप्टॉइड स्टोर में जाइए और वहां पे से काफी एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स वगैरह ही मिल जाएंगे। तो उसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए धमाकेदार कंटेंट तो लेके आते ही है और यहाँ पे काफी कुछ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो भी आपके सवाल है लिख डालिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला जो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। इसी के साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, काफी कुछ वहां पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिली जाती है और आप मुझे वहां पे DM भी कर सकते हो। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।